वाराणसी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भूख उपवास के अंतिम दिन कर्मचारियों ने कहा कि हम अंतिम सांस तक सरकार से लड़कर हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेंगे, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जिला संयोजक पेंशन बहाली से किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या है आज? देखिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारे NJCA द्वारा इस बात के निर्देश जारी किए गए थे, हर मंडल मुख्यालय पे 4 दिन क्रमिक उपवास रखा जाएगा। वाराणसी आज चौथे दिन हम अपने DLW कारखाने के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग क्रमिक उपवास रखेंगे। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कर्मचारी है 2004 से कर्मचारी को अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई है, जिसके चालू करने के लिए बहाल करने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। उसके कारण ये है की सरकार द्वारा जो नई पेंशन योजना लाई गई है, पेंशन योजना कहीं से हमारे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र कर्मचारी है आच्छादित नहीं है। मैं आपके चैनल खाते से बताना चाहता हूँ आप जनमानस को कि आज जहाँ लोग कहते हैं 76 साल सरकार 76 साल भारत को आजाद हुए हुआ है, हर क्षेत्र को विकास किया गया है, 1982 से जो हमारी ये पेंशन व्यवस्था लागू की गई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, वहाँ रिटायरमेंट के बाद जहाँ 50% पुरानी पेंशन व्यवस्था में दिया जाता है, वहीं पर आज इनकी नई पेंशन योजना में हमें कहीं 3% से लेकर 7% तक ही कहीं किसी ऐसे में ये 1200-1500-2000 पेंशन प्राप्त के साथ व्यवस्था में उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा कुछ सरकार द्वारा किया गया है, जिसको हम उन्हें कहा है सरकार से लगातार 10 वर्षों से मांग कर रहे हैं नई पेंशन योजना को तत्काल बंद किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था पेंशन ही वृद्धावस्था में बुढ़ापे की लाठी का सहारा। मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे आगे? मांगी जाएगी ऐसा मुझे आश्वासन है। हम लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में सरकार को हर बार याद दिलाता है जिसको उन्होंने स्वीकार किया था, जो आश्वस्त किया था कि अगर वो चीज हमारे नहीं होगी तो हम उसको पूरा करावे। इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो पूरे भारत का कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, सब परिवार के साथ सरकार विरोध करेंगे। मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं सचिव आज हम लोग ये उपवास का कार्यक्रम हमारा चौथा आखिरी और सरकार से जो हमारी मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो बाध्य होकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। सरकार खूब अच्छी तरह समझ रही है कि हम लोग मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत मानने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अभी सरकार इस तैयारी में है कि राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद तुरंत जो है ये आचार संहिता लागू करके चुनाव में, लेकिन हम लोग इतिहास रहा है 100 वर्ष का ऑल इंडिया रेलिवेंस फेडरेशन यूनियन का, तो हम लोग सरकार का छोड़ने वाले और जो निर्वाचित सरकार आएगी उससे भी फिर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कितने संगठनों का आपको यहाँ पे जो है मिला है, कितने संगठन शामिल हुए हैं इसमें? केंद्र सरकार के सारे संगठन हैं, कर्मचारी संगठन और राज्य सरकार के भी सारे लोग हैं। एक संगठन है अटेवा करके है कोई, वो लोग हमारे साथ नहीं है, उनका मैनिफेस्टो उनका एजेंडा अलग है, उससे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन